जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपकी अपने चैनल में आपको बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जीवन में जब अच्छे दिन आते हैं तो हमें कौन कौन से संकेत मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो जातक हैं इस विषय को लेकर परेशान होते हैं कि खराब दौर कई सालों से, कई दिनों से चल रहा है, लेकिन जीवन में अच्छा वक्त नहीं आ पा रहा है। तो हमारे जीवन में अच्छा वक्त आने से पहले हमें कौन कौन से संकेत मिलते हैं, अगर हम ये बात पहले से जान जाएं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में सही हो सकती हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जीवन में अच्छे दिन आने से पहले कुछ संकेत हमें मिलते हैं, उन संकेतों को हम समझें, जानें और फिर कोई भी पॉजिटिव कदम आगे बढ़ाएं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक रहेगा। शर्त यह दोस्तों कि आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखें ताकि एक एक जानकारी जो है वो आपको मिल पाए। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में लिखिए ओम नमः शिवाय और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर अपनी कुंडली का पैरालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर आएँ, अपॉइंटमेंट लें और मुझसे बात कर सकते हैं। उसका फीस लागू है दोस्तों, शुल्क लागू है। अब हम बात करना चाहते हैं मुद्दे की बात पर। सबसे पहला संकेत है कि जब भी जीवन में कुछ भी अच्छा होने वाला होता है तो हमें वैसे लोग मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, दौर जब भी ख़राब आता है किसी का, हमारा, आपका है, किसी का भी ख़राब आता है, संगति एक बहुत बड़ा फैक्टर उसमें होती है। हमें सही समय पर सही लोगों का नहीं मिल पाने की वजह से कई बार बहुत सी परेशानियाँ हमने देखी है। तो जैसे ही जीवन में कुछ बदलाव, परिवर्तन और अच्छा वक्त आना शुरू होगा तो औचक ही आपको अच्छे लोग मिलना शुरू हो जाएंगे जो आपको इन परेशानियों से बाहर करने का रास्ता दिखाएंगे, या उनके साथ आप कोई काम करेंगे, या वो आपको कोई सजेशन देंगे या कोई राय देंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो जब भी जीवन में अच्छा समय आएगा, आपके आने वाला है, तो उसका पहला जो संकेत है जिसे आपको याद रखना चाहिए कि स्वतः ही आपको अच्छे नेक इंसान मिलना शुरू हो जाएंगे और वो आपको सही राय देकर बाहर निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात है कि खुद के आसपास से पॉजिटिविटी, एनर्जी का आभास होना, कि जो काम पहले बहुत दिनों से हो ही नहीं रहे थे, इसके लिए हम बहुत परेशान हो रहे थे, वो काम हो ही नहीं रहे थे, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि वो काम स्मूथली चालू हो चुके हैं और वो काम होने लग रहे हैं। तो ये दूसरा संकेतिक है कि हमें हमारे आसपास जो है पॉजिटिव एनर्जी का संकेतिक रूप से लगने लग जाता है। अब दूसरी बात है कि पॉजिटिव एनर्जी के लिए आप खुद भी कुछ प्रयास कर सकते हैं, जैसे कि हम नेगेटिव विचारों से, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव बातों से हम दूरी बना के रखें, हम खुद को मोटिवेट करते रहें, सेल्फ मोटिवेशन करते रहें, खुद को पॉजिटिव करते रहें। उससे क्या होगा कि हमारे पास पास हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रहेगी और वो एनर्जी हमें पॉजिटिव फ़ायदा ही पहुँचाएगी। तीसरी बात होती है कि व्यक्ति जो है वो अपने काम के प्रति मन जैसे नहीं लगता है, हमारा बहुत बार काम है मन नहीं लगना, कई सारी अड़चने और परेशानी जो है ना उन परेशानियों का अंत हो जाता है। मतलब वो परेशानियाँ जो थी हम बहुत ज़्यादा उनसे जूझ रहे थे, कई बार निजी, सार्वजनिक, कई बार पारिवारिक बहुत सी परेशानियाँ होती हैं वो स्वतः ही खत्म हो जाती है, मतलब वो उससे आप बाहर निकल आते हैं, क्योंकि हम एक परेशानी में इतना डूबे रहते हैं कि हम जीवन के अन्य चीज़ों पर, अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं और बहुत सारी चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाते। तो वो भी तीसरा संकेत है। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है, गुरु, आप जरूर अपने जीवन में गुरु बनाएं। गुरु